चलिए अभी आवाज़ आ गई है क्या अभी आवाज़ आ गई है क्या तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के जीएस की मैं डेली आप लोगों को वही प्रश्न वही क्वेश्चंस कराने का प्रयास करता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं या आने की संभावनाएं हैं कुछ विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं पर हम लोग बात करेंगे अभी आवाज़ प्रॉपर आ रही है आप लोगों पर अभी आवाज़ आ रही है जल्दी से बताइए चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे उनसठवा प्रैक्टिस सेट जिसका पहला प्रश्न है मैंने आज चैप्टर वाइज लिए हैं जैसे कि स्टार्टिंग में सिंधु घाटी सभ्यता ली है पॉलिटी में स्टार्टिंग लिया है ऐसे ही ज्योग्राफी में लिया है तो मैंने सारे चैप्टर्स स्टार्टिंग वेस कर लिए हैं क्योंकि अभी तक हम सारा रिविज़न कर चुके हैं अब हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप लोग बताइएगा आप लोग बताइएगा यहाँ पर हम लोग बात करें सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है कालीबंगन नहीं है रोपड़ नहीं है पाटलिपुत्र नहीं है लोथल नहीं है अब बात करें पाटलिपुत्र की तो आंसर आपका हो जाएगा पाटलिपुत्र ये कल कल बिहार कांस्टेबल में पूछा गया है ये कल बिहार कांस्टेबल में पूछा गया था और इसमें पूछा था कि संस्थापक कौन था संस्थापक कौन था इसका तो संस्थापक था बेटा उदयन कौन था उदयन इसका संस्थापक था अजात शत्रु का बेटा था उदयन उदयन द्वारा किसके द्वारा उदयन द्वारा इसकी स्थापना की जाती है संस्थापक पूछा था बात करते हैं लोथल लोथल बेटा उन्नीस में खोजा गया एस आर राव के द्वारा किसके द्वारा एस आर राव द्वारा खोजा जाता है और ये कहाँ पर है गुजरात में तो आप कहेंगे सर ये कहाँ पर होगा गुजरात में होगा और ये क्या था सबसे प्राचीन बंदरगाह है क्या है ये बंदरगाह है रोपड़ कहाँ पर होगा पंजाब में कहाँ पर पंजाब में अब इसकी खोज कब हो जाती है रोपड़ की यज्ञ दत्त शर्मा के द्वारा इसकी खोज होती है किसके द्वारा उन्नीस की अगर मैं बात कर लूँ तो आप कहेंगे सर यज्ञ दत्त शर्मा यज्ञ दत्त शर्मा ठीक है जी यज्ञ दत्त शर्मा द्वारा इसकी क्या हो जाती है खोज हो जाती है अब बात करेंगे सर यहाँ पर काली बंगा जिसको उन्नीस में खोजा जाता है और इसको उन्नीस में अम्लानंद घोष के द्वारा खोजा जाता है किसके द्वारा अम्लानंद घोष आप कहेंगे सर अम्लानंद घोष ठीक है जी अमलानंद घोष के द्वारा इसे खोजा गया है ये कहाँ पड़ता है काली बंगा तो राजस्थान में पड़ता है गुजरात में पड़ता है उत्तर प्रदेश में पड़ता है कहाँ पड़ता है जल्दी जल्दी से बता दीजिए आप कहेंगे सर ये राजस्थान में पड़ता है कहाँ पड़ता है राजस्थान में जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग नेक्स्ट मोहन जोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है मोहन जोदड़ो शब्द का अर्थ पूछा गया है इसका क्या आंसर होगा देखिए अगर मैं मोहनजोदड़ों की बात करूँ तो ये हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता का स्थल है किसका हड़प्पा सभ्यता का स्थल है और हड़प्पा सभ्यता की अगर खोज होगी तो आप कहेंगे सर 1921 में दयाराम सहानी दयाराम सहानी तो यहाँ पर आप लिखेंगे दयाराम सहानी ठीक है जी क्या लिखेंगे दयाराम सहानी अब बात करेंगे मोहन जोदड़ों की खोज कब होती है मोहन जोदड़ों की खोज कब हो जाती है तो आप कहेंगे मोहन जोदड़ों की खोज होती है बेटा 1922 में 1922 में कौन करता है राखाल दास बनर्जी कौन राखाल दास बनर्जी तो यहाँ पर आप लोग लिखना राखास राखाल दास बनर्जी तो सही आंसर क्या है कि मोहन जोदड़ों को मृतकों का टीला कहा जाता है क्या कहते हैं मृतकों का टीला कहा जाता है और मृतकों के टीले को अंग्रेजी में बोलते हैं माउंट ऑफ डेथ क्या बोलते हैं जी माउंट ऑफ डेथ तो माउंट ऑफ द तो यहां पर आप कहेंगे सर माउंट ऑफ द डेड तो इसका सही आंसर क्या होगा डेड तो मृतकों का टीला मृतकों का टीला या माउंट ऑफ डेथ इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया इसका आंसर होगा बी अब यहाँ से एक बेटा नृत्य करती मूर्ति, मूर्ति नृत्य की, की मूर्ति मिली है किसकी नृत्य की की मूर्ति मिली है और ये मूर्ति बेटा किसकी बनी थी कांस्य की किसकी बनी हुई है कांस्य की मूर्ति बनी हुई है अब बात करते हैं कि कौन सी विधि से तो ये दर्वी मोम विधि से दर्वी मोम विधि से तो यहां पर आप कहेंगे सर दर्वी मोम विधि से इसको बनाया गया है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई किसने की थी खोज किसने की थी ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं तो आंसर्स आपके आने चाहिए जल्दी जल्दी से आंसर दीजिएगा जो साथी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं वो भी जुड़ जाएंगे चलिए बताइए शेयर कर देंगे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्या इसका आंसर है हाँ जी चलिए जल्दी से अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता में लोथल की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर उन्नीस में इसकी खोज हो जाती है एस आर राव के द्वारा किसके द्वारा एस आर राव के द्वारा इसमें हमें क्या करना है कुछ भी नहीं करना है ठीक है नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला चलिए जल्दी जल्दी से आंसर्स इसके दे दीजिए क्या क्या इसके सही आंसर होंगे और कौन कौन बच्चे आंसर्स दे रहे हैं चलिए जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर है चलिए सिंधु घाटी सभ्यता की अगर मैं बात करूंगा तो बेटा घोड़े की अस्थियां कहाँ से मिली थी बनावली से चहुंदलों से डोर से सुरकोटदा से एक बार जल्दी से बताइए कौन सा स्थल कहाँ पड़ता है कौन सा स्थल कहाँ पड़ता है इसका सही आंसर आपके माध्यम से आना चाहिए चलिए अब बात करेंगे सर बनावली कहाँ पर है मोहनजोदड़ो कहाँ पर है डोर कहाँ पर है और सुरकोटदा कहाँ पर है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा देखिए बनावली कहाँ पड़ता है तो ये हरियाणा में पड़ता है कहाँ पर हरियाणा में पड़ता है चहुंदड़ो कहाँ पड़ता है चहुंदड़ो बेटा आप कहेंगे सिंध प्रांत में पड़ता है कहाँ पर सिंध प्रांत में पड़ता है और सिंध प्रांत कहाँ का है पाकिस्तान का कहाँ का है मेरे लाल पाकिस्तान का है सुरकोटदा कहाँ पड़ता है गुजरात में कहाँ पड़ता है जी गुजरात में पड़ता है अच्छा चलिए सुरकोटदा बेटा गुजरात में नहीं पड़ता है सुत डोर सुत कांगेडोर तो ये सुरकोटदा है ना ये पड़ता है गुजरात में तो सुरकोटदा ये तो सुत है जो बलूचिस्तान में है कहाँ पर है बलूचिस्तान में ठीक है ये कहाँ पर होगा बलूचिस्तान पाकिस्तान में कहाँ होगा ये पाकिस्तान में होगा अब बात हो रही थी कि सर घोड़े की अस्तियां तो सुरकोटदा में पड़ती हैं कहाँ पर सुरकोटदा में अब ये बताइए कि सर मृण यहाँ पर पूछा जाए मृण मूर्तियाँ लघु मृण मूर्तियाँ या घोड़े की लघु यहाँ पर ऐसे भी पूछा जाएगा घोड़े की लघु मृण मूर्तियाँ मूर्तियाँ कहाँ पर हैं तो आप कहेंगे सर ये लोथल से मिली हैं कहाँ से लोथल से मिली और लोथल भी कहाँ पर है गुजरात में हैं। कहां है कहाँ हैं गुजरात में हैं। है ठीक है चलिए नेक्स्ट है उपयन समारोह से क्या तात्पर्य है उपयन समारोह से क्या तात्पर्य होगा जल्दी जल्दी से बता दीजिए इसका क्या आंसर होगा हाँ जी बहुत बढ़िया अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो आप लोग क्या बताइएगा चलिए बताइए जल्दी जल्दी से इसका क्या आंसर होगा तो हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे सारी चीज़ों पर विशेष रूप से तो आप कहेंगे सर उपयन समारोह का मतलब है बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण करना देखिए अगर मैं बात करूँ ब्राह्मण समाज की तो ब्राह्मण समाज में जब तक जनेऊ नहीं होता है तब तक शादी नहीं की जाती है ठीक है कुछ को अगर मैं छोड़ देता हूं तो ब्राह्मण समाज में जब तक जनेऊ धारण नहीं किया जाता है तब तक शादियां नहीं होती हैं लड़कों की अब बेटा इनको हम क्या कहेंगे सर इनको तीन शब्द इसके लिए प्रयोग होते हैं जनेऊ के लिए तीन शब्दावली यूज की जाती है और उस शब्दावली को अगर हम सत रज और तम कहा जाता है क्या कहते हैं सत नम और सत्य सत कहेंगे रज कहेंगे और बेटा तम कहेंगे ये तीन शब्दावली किसके लिए प्रतीक हैं ये किसके प्रतीक हैं तो ये बेटा जनेऊ के प्रतीक हैं किसके प्रतीक हैं ये जनेऊ के प्रतीक हैं नेक्स्ट है कि सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से लिया गया है महाभारत से मुंडक उपनिषद से इस उपदेश से ये भी कल पूछा था कल बिहार कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है ये भी कल बिहार कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है कि बिहार कांस्टेबल में आया था और मुंड को उपनिषद से लिया गया है महाभारत को प्राचीन समय में या इसका दूसरा नाम जय संहिता है क्या है जय संहिता तो आप कहेंगे सर इसे क्या कहते हैं जय संहिता अब इसका जो है किसने इसका फारसी अनुवाद किसने किया है फारसी अनुवाद की अगर बात हो जाए फारसी अनुवाद किसने किया है तो आप कहेंगे सर रजम नामा के नाम से रजम नामा के नाम से किसने किया है बेटा नकीब खां और वदायूनी ने किसने वदायूनी एवं नकीब खां ने एवं नकीब खां ठीक है जी नकीब खां के द्वारा इसका क्या किया गया अनुवाद किया गया है सतपथ ब्राह्मण और त्रिय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ है बताइएगा इसका क्या आंसर होगा कौन कौन बच्चा बताएगा इसका चलिए बहुत बढ़िया शानदार रजनामा महाभारत को कहते हैं बेटा रामायण कहाँ से पढ़ लिया आपने मोटा भाई जी हाँ मोटा भाई जी कहाँ से पढ़ लिया आपने चलिए लिख लिया आप लोगों ने चलिए यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं सारी चीज़ों पर चर्चा करते हैं तो इसका सही आंसर क्या होगा सही आंसर आप लोग बताएंगे हाँ जी सही आंसर बताएंगे जल्दी जल्दी से कौन कौन बच्चा बताएगा बहुत बढ़िया शानदार लाजवाब अब हम लोग बात करेंगे हम लोग बात करेंगे भैया जो सतपत ब्राह्मण है सामवेद से संबंधित है अथर्वेद से संबंधित है ऋग्वेद से संबंधित है यजुर्वेद से संबंधित है जल्दी जल्दी से इसका आंसर आपके एग्ज़ाम पर आना चाहिए जल्दी से आप लोग बता दीजिए तो आप कहेंगे सर हम यजुर्वेद को कहते हैं किसको कहेंगे यजुर्वेद को ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है ये क्या है सबसे पुराना वेद है क्या है सबसे पुराना वेद होगा सबसे पुराना वेद यहाँ पर होगा इसमें क्या है तो इसमें दस मंडल हैं कितने मंडल हैं बेटा दस मंडल हैं एक हजार अट्ठाईस सूक्त हैं ठीक है एक हज़ार अट्ठाईस क्या हैं सूक्त हैं चलिए अब बात करेंगे किससे संबंधित है तो ये भजन वगैरहों से संबंधित है सामवेद किससे संबंधित है ये संगीत से संबंधित है किससे संगीत से संबंधित है ये जादू टोने से संबंधित है किससे जादू टोना अब बात करेंगे यजुर्वेद की ये बेटा किससे तो ये अनुष्ठान धार्मिक धार्मिक कर्मों से तो आप कहेंगे सर अनुष्ठान वगैरह जो अनुष्ठान होते हैं धार्मिक कार्य वगैरह होते हैं धार्मिक अनुष्ठान से ठीक है जी धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित होगा नेक्स्ट है निम्नलिखित में से इसका क्या आंसर होगा चलिए बता दीजिए बहुत बढ़िया शानदार लाजवाब आंसर्स आपके क्या हैं लेकिन निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है जब कभी भी हम भारतीय संविधान के बारे में बात करते हैं भारतीय संविधान की बात करते हैं तो आप कहेंगे कि सर भारतीय संविधान में लिखित और लिखित सर्वोच्चता अगर बात करें लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता यह विशेषता है शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन किया गया है प्रतिबद्ध न्याय हमारे यहाँ पर प्रतिबद्ध न्याय है स्वतंत्र न्यायपालिका है प्रतिबद्ध न्यायपालिका नहीं होगी ये कमिटेड जुडिशरी नहीं है हमारे यहाँ पर फ्री जुडिशियल सिस्टम है फ्री जुडिशियल सिस्टम होगा स्वतंत्र न्यायपालिका होगा अर्ध संघीय ये भारत की क्या है संविधान की विशेषता है अब यहाँ पर आता है कि सर ये बताइए केसी व्हीलर ने केसी व्हीलर ने भारतीय संविधान को क्या कहा था केसी व्हीलर ने क्या कहा था और जी ऑस्टिन ने क्या कहा था भारतीय संविधान को लेकर जी ऑस्टिन ने किसने जी जी ऑस्टिन और केसी व्हीलर ने क्या कहा है तो आप लोग यहां पर बताएंगे जी ऑस्टिन ने भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद कहा है भारतीय संविधान को क्या कहा था केसी व्हीलर ने और जी ऑस्टिन ने तो इसकी बात करते हैं कि संविधान को संविधान को सहकारी क्या कहा है बेटा इसने सहकारी तो आप कहेंगे सहकारी परिसंघीय कहा है क्या कहा है सहकारी परिसंघीय कहा है कि सर भारतीय संविधान को किसने सहकारी परिसंघीय कहा तो जी ऑस्टिन ने कहा केसी व्हीलर ने क्या कहा था तो आप कहेंगे सर अर्ध संघीय कहा है क्या अर्ध संघीय कहा है क्या कहा है अर्ध संघीय कहा है इसका लिख लेना ये पूछा जाता है केसी व्हीलर ने क्या कहा अर्ध संघीय कहा जी ऑस्टिन ने क्या कहा संविधान को सहकारी परिसंघीय कहा निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा उद्देश्य से प्रस्ताव किसने रखा था तो जल्दी-जल्दी से बताइए बीएन राव ने बीआर अंबेडकर ने महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू ने देखिए 13 दिसंबर 1946 13 दिसंबर 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है और यही उद्देश्य प्रस्ताव बेटा क्या बन जाता है यही उद्देश्य प्रस्ताव क्या बन जाता है 22 जनवरी को इसे स्वीकार कर लिया गया 1947 में क्या कर लिया बेटा स्वीकार कर लिया स्वीकार किसने किया था तो आप कहेंगे सर स्वीकार किया था संविधान सभा ने किसने संविधान सभा ने इसको स्वीकार कर लिया ठीक है बात करेंगे उद्देश्य प्रस्ताव की तो इसे पी टी नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसने जवाहर लाल नेहरू ने पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था अब यही जो है उद्देश्य प्रस्ताव यही उद्देश्य प्रस्ताव भैया 26 नवंबर 26 नवंबर उन्नीस को प्रस्तावना के रूप में भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया किसके रूप में प्रस्तावना के रूप में प्रस्तावना के रूप में संविधान में शामिल कर लिया किस में बेटा भारतीय संविधान में शामिल कर लिया क्या कर लिया भारतीय संविधान में शामिल कर लिया जाता है कौन सा केस था जिसमें कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है तो वेरूवादी वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट 1990 19 नाइनटीन ना, सिक्सटी 1960. उसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है ठीक है जी अब बात करते हैं अब हम लोग बात करते हैं कि सर फिर कौन से केस में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है तो केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट 1973, सेवेंटी थ्री बुम्बई वनाम वर्सेज बुम्बई बुमन वर्सेज यूनियन गवर्नमेंट 1994 में भी प्रस्तावना को संविधान का भाग माना चलिए लिख लिया आप लोगों ने यहाँ पर किसी को कोई समस्या तो नहीं हो रही चलिए ये सारी चीजें लिख लेना ये कौन थे ये संवैधानिक सलाहकार थे ये कौन थे ये संवैधानिक सलाहकार थे तो यहां पर आप लिखना ये कौन थे संवैधानिक सलाहकार थे ठीक है नेक्स्ट भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संवाद का श्रेष्ठ रूप है सहकारी संघवाद परस्पर विरोधी संघवाद सौदाकारी संघवाद केंद्रीकृत संघवाद चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए इसका क्या आंसर है कौन कौन बच्चा बता रहे हैं सर एप्लीकेशन ऑन नहीं हो रहा है नेहा खान कुछ कह रही है। देखो भाई इनका समस्या का समाधान कराओ चलिए बहुत बढ़िया शानदार बिल्कुल नेहा खान जी आपकी समस्या का जरूर समाधान होगा टीम को फॉरवर्ड कर दी है आपकी समस्या ठीक है भैया चलो बताओ जल्दी से हाँ जी जल्दी महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे हाँ जी परिसंघीय सहकारी संघवाद एक ही बात होती है भाई परिसंघीय या सहकारी संघवाद एक ही बात होती है माय डियर चलिए बताइए तो आप कहेंगे सर उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ रूप क्या होगा तो आप कहेंगे केंद्रीकृत संघवाद होगा सौदावादी संघवाद होगा या सहकारी संघवाद होगा तो आप कहेंगे सर सहकारी संघवाद क्या होगा इसका सही आंसर आप लोग बता देंगे मेरे लाल ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संघवाद निम्न में से किस देश से लिया गया है इटली से तो हमने कुछ नहीं लिया ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया प्रस्तावना की भाषा ली है प्रस्तावना की भाषा कि सर प्रस्तावना की भाषा हम लोगों ने कहाँ से ली है तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली है जबकि हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है संवर्ती सूची ली है क्या लिया है संवर्ती सूची हम लोगों ने कहाँ से ली है तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया से कनाडा से हमने क्या लिया है संघात्मक व्यवस्था ली है क्या लिया है बेटा संघवाद कह लें या संघात्मक व्यवस्था कह लें और भैया राज्यपाल की नियुक्ति राज्यपाल नियुक्ति राज्यपाल की नियुक्ति नियुक्ति तो आप कहेंगे सर राज्यपाल की नियुक्ति हम लोगों ने कहाँ से ली है तो ये आप लोग बता देना नियुक्ति हमने कनाडा से यूएसए से हमने मूल अधिकार लिए हैं फंडामेंटल राइट लिए हैं वाइस प्रेसिडेंट का पद लिया है और भैया स्वतंत्र न्यायपालिका ली है क्या लिया है स्वतंत्र न्यायपालिका न्यायपालिका तो आप कहेंगे स्वतंत्र न्यायपालिका ठीक है जी चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट माउंटफोर्ड सुधार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी केंद्र तथा केंद्र एवं रियासतों के मध्य शक्तियों का विभाजन इनमें से कोई नहीं केंद्र रियासतों के साथ साथ द्वेद शासित राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन रियासतों में द्वेद शासन महत्वपूर्ण विशेषता पूछी है तो आप कहेंगे कि भैया महत्वपूर्ण विशेषता क्या हो जाएगी तो आप कहेंगे कि सर ये कब आया था तो ये आया था भारत शासन अधिनियम 1919 जिसे माउंट फोर्ड सुधार कानून भी कहा गया चेम्स माउंटेंगू चेम्स फोर्ड सुधार कानून भी कहा जाता है इसमें क्या कहा गया कि सर केंद्र और रियासतों के साथ साथ द्वेध शासित रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन नेक्स्ट 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन बने थे जल्दी से बताइए देखिए अगर मैं बात करूं कि सर अध्यक्ष कौन बने थे इस समय कार्यकारी परिषद के तो अध्यक्ष थे बेबेल कौन थे बेटा बेबेल थे अध्यक्ष तो आप बता देंगे कौन थे बेबेल थे ठीक है जी कौन थे बेबेल थे तो यहाँ पर आप लोग बताइएगा अब बेटा उपाध्यक्ष कौन बने थे उपाध्यक्ष बने थे पंडित नेहरू कौन बने थे भैया पंडित नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू सही आंसर क्या होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा ठीक है जी पंडित जवाहरलाल नेहरू सी राजगोपालाचारी बेटा प्रथम भारतीय प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे गवर्नर जनरल थे ठीक है जी यहां तक लिख लेंगे अब बात करेंगे सर यह बताइए कि इस समय रक्षा मंत्री कौन बने थे रक्षा मंत्री किसको बनाया गया था तो बलदेव सिंह को बनाया गया था सरदार बलदेव सिंह ठीक है कौन सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया था और इस समय श्रम मंत्री किसको बनाया गया था श्रम मंत्री बनाया गया था बाबू जगजीवन राम को ठीक है जी किसको बाबू जगजीवन राम जगजीवन राम ठीक है जी किसको बाबू जगजीवन राम को भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे तो भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम गृह मंत्री थे ये श्रम मंत्री थे कौन थे ये ये श्रम मंत्री थे कौन थे श्रम मंत्री थे ठीक है जी अच्छा मोरारजी देसाई कौन थे प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम थे प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम थे यहां पर कहेंगे प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम थे और बेटा अगर बात करें तो चौथे पीएम वैसे देखा जाए क्रम के कौन सा था इनका तो फोर्थ पीएम था इनका क्रम गोविंद वल्लभ पंत की बात करें तो यूपी के प्रथम सीएम प्रथम सीएम थे और बेटा भारत के चौथे गृह मंत्री थे कौन थे चौथे गृह मंत्री थे ठीक है जी कौन थे तो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर लिखते हुए चलना ये सारी चीज़ें आप लोग भैया लिखते हुए चलना किसी को कोई समस्या है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा ज़रूर बताइएगा कोई भी क्वेश्चन और आज के क्वेश्चंस तो मुझे लग रहा है आप लोग बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे आज के क्वेश्चंस तो आप लोग बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिएगा इसका क्या आंसर है हाँ जी नहीं भैया डिस्काउंट वगैरह नहीं मिलेगा हाँ जी जल्दी से बता दीजिए इसका क्या आंसर है लिखा है 2017 में वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में सबसे प्राचीन सर्पिल आकाश गंगा स्पाइरल गैलेक्सी की खोज की है जो बिग बैंग के ठीक 2.6 अरब साल बाद मौजूद थी इस आकाश गंगा को किस नाम से जाना जाता है 2017 में ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने किसने ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने बेटा खोज की है किसके ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने और इन्होंने कहा कि 2017 में जब इसकी खोज की गई उससे 11 वर्षों से 11 वर्ष पहले ही वो अस्तित्व में आई थी 11 वर्ष पहले ही वो लगभग अस्तित्व में आई थी यानी कि 2006 के आसपास वो अस्तित्व में आती है ठीक है उसकी खोज हो जाती है दो में ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक करते हैं जिसका नाम रखते हैं बेटा ए सिक्सटीन ए सिक्सटीन एट नाइन बी इलेवन या ए वन सिक्स ए वन सिक्स एट नाइन बी इलेवन उसका नाम है अच्छा हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है अगर पूछेगा कि सर जो हमारी आकाशगंगा है हमारी आकाशगंगा है उसका नाम क्या होगा कि सर जो हमारी आकाशगंगा है इस आकाशगंगा का नाम क्या है तो आप कहेंगे सर दुग्ध मेखिला क्या है दुग्ध मेखला भारतीय परंपरा में दुग्ध मेखला कहते हैं वैसे उसका नाम है मंदाकिनी क्या नाम है मंदाकिनी तो आप कहेंगे सर मंदाकिनी उसका नाम है भारतीय परंपरा में दुग्ध मेखला कहा जाता है नेक्स्ट है टूटकर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने की थी तो आर्कमंडीज ने गैलीलियो ने डार्विन ने आलबर्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन आल्टाइन की आप लोगों को याद होगी एक ई बराबर स्क्वायर ई बराबर स्क्वायर एक बेटा बहुत तो ज का, का, का सिद्धांत तो आप कहेंगे कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है तो वस्तु के भार में कुछ आंशिक कमियां आ जाती है ये कमियां वस्तु द्वारा निकाले गए द्रव के बराबर होती हैं ठीक है जी अब इसका थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा अब इसका थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा आपकी पढ़ाई में कुछ आंसिक कमी आ रही है कमियाँ क्यों हैं रीजन जानते हैं बहुत पहुँचे हुए बाबा हैं बाबा जी जी महाराज वो कहते हैं कि जब कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है तो उसकी पढ़ाई में कुछ आंसिक कमियाँ आ जाती हैं जब कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है तो उसकी पढ़ाई में कुछ आंशिक कमियां आ जाती हैं और ये कमियां लड़के द्वारा लड़की को किए गए प्यार के बराबर होती हैं जितना लड़का प्यार करता जाएगा उसकी पढ़ाई उतनी ही कम होती जाएगी ठीक है समझ गए आप लोग ये सारी चीजें चलिए तो यहां पर हम लोग बात कर रहे थे सही आंसर आप लोगों ने दे दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई होगी तो आप लोग क्या बताइएगा तो आप कहेंगे सर प्रकाश वर्ष का मतलब क्या होता है कल परसों भी हमने क्वेश्चन इसमें से किया था परसों कि निर्वात में एक वर्ष में निर्वात में की गई दूरी क्या कहलाती है प्रकाश वर्ष कहलाती है एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को क्या कहते हैं जैसे कि खगोलीय दूरी होती है क्या होती है बेटा खगोलीय दूरी होती है इसको हम खगोलीय दूरी भी बोलते हैं और ये खगोलीय दूरी जैसे कि दूरी जैसे पृथ्वी से सूर्य की दूरी पृथ्वी से सूर्य की दूरी कल बिहार पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा है बताइए कितने क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट से मिल रहे हैं ये कल बिहार जी बिहार कांस्टेबल में ये भी पूछा था कि भैया खगोलीय दूरी किसकी है तो आप कहेंगे सर प्रकाश पृथ्वी से सूर्य की दूरी ये बिहार कांस्टेबल में कल पूछा है प्रश्न कितने सारे क्वेश्चंस मिल गए सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है बताइए इसमें कोई समस्या वाली बात है आपको बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए हमने पढ़ा है सर आठ मिनट सोलह सेकंड हमने यही तो पढ़ा है जी आठ मिनट सोलह पॉइंट छः सेकंड ये हम लोगों ने पढ़ रखा है लेकिन यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर है नहीं तो आठ मिनट बीस सेकंड करेंगे ये बताइए सूर्य की जो बाहरी सतह है उसका टेम्परेचर कितना है छः हज़ार डिग्री सेल्सियस जिसकी बाहरी सतह का सूर्य की बाहरी सतह का टेम्परेचर कितना है बाहरी सतह का टेम्परेचर कितना है सतह का टेम्परेचर कितना है तापमान कितना है तो आप कहेंगे सर तापमान है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड अच्छा इसका जो नाम है बाहरी सतह का उसे कोरोना कहा जाता है क्या कहते हैं कोरोना कि भैया कोरोना अच्छा कोरोना की खोज किसने की थी ये कोई बीमारी वाला कोरोना नहीं है कोरोना जो सतह है इसकी खोज किसने की थी तो आप कहेंगे सर फ्रॉन हॉपर ने किसने फ्रॉन हॉपर ने खोज की थी किसने कोरोना जो बाहरी सतह है सूर्य की इसकी खोज की थी किसने बेटा तो आप कहेंगे क्रॉन हॉपर फ्रॉन हॉपर ठीक है जी फ्रॉन है फ्रॉन हॉपर नेक्स्ट है सूर्य का दीप्तिमान अमुख जिसे हम देखते हैं कहलाता है वर्ण मंडल वातावरण प्रकाश मंडल स्थल मंडल देखिये दीप्तिमान सूर्य का जो दीप्तिमान अमुख भाग है उसे वर्ण मंडल नहीं बोलेंगे वातावरण नहीं बोलेंगे प्रकाश मंडल बोलेंगे या फोटो स्पेयर बोलेंगे ठीक है जी तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सी इसमें तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आई थिंक नेक्स्ट है पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है पृथ्वी का जल्दी जल्दी हाँ जी जल्दी जल्दी से बताते रहिए इसका क्या आंसर है तो हम लोग बात कर रहे हैं कि भैया पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है तो आप कहेंगे सूर्य है अच्छा यहां पर दो चीजें हैं दो चीजें हैं कि सर कम दूरी कब होती है कम दूरी कम से कम दूरी कितनी होगी कम से कम दूरी और अधिकतम दूरी कितनी होती है अधिकतम दूरी अगर पृथ्वी और सूर्य की कम से कम दूरी कितनी होगी तो चौदह दशमलव सात जीरो करोड़ किलोमीटर करोड़ किलोमीटर होती है ठीक है जी अधिकतम दूरी कितनी होगी भैया सूर्य और पृथ्वी की अधिकतम दूरी कितनी हो जाएगी चलिए बता दीजिए हाँ जी चलिए बता दीजिए बेटा जल्दी जल्दी से बता दीजिए तो आप कहेंगे भैया कितनी होती है तो आप कहेंगे पंद्रह दशमलव दो एक करोड़ किलोमीटर करोड़ किलोमीटर होती है अच्छा हम लोगों ने पढ़ा है कि जब पृथ्वी सूर्य के निकट आती है तब कौन सी तब क्या होता है कि तीन जनवरी को मिलन हुआ चार जुलाई को जुदाई हमने ऐसे भी पढ़ा है कि सर जब कोई लड़का और लड़की का मिलन होता है या उनका प्यार मोहब्बत होती है तो वो क्या होता है मिलन यानी कि जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट आती है तो उसे हम क्या बोलते हैं तीन जनवरी तीन जनवरी को पृथ्वी और सूर्य सबसे निकट होते हैं सबसे निकट कब होंगे तीन जनवरी को दूरी कब होगी चार जुलाई को कब होगी चार जुलाई को क्या कहा जाता है क्या कहा जाता है उपसौर और अपसौर कहा जाता है ठीक है जी उपसौर और अपसौर कहा जाता है कि तीन जनवरी को मिलन हुआ चार जुलाई को जुदाई तो तीन जनवरी को पृथ्वी और सूर्य सबसे निकट होते हैं इसे तीन जनवरी को उपसौर बोलते हैं जब दूर होते हैं तो अपसौर बोलते हैं चार जुलाई को होता है ठीक है पेरीहेलियन और अपहेलियन यानी कि अपसौर और उपसौर चलिए चलिए बहुत बढ़िया शानदार लाजवाब तो हम लोग बात कर रहे हैं नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा होगा तो आप बता देना भैया एल्फा सेंटोरी वर्नाड स्टार होगा तो आप कहेंगे प्रोक्सिमा सेंटोरी ये पृथ्वी से लगभग पृथ्वी से लगभग फोर दशमलव फोर पॉइंट थ्री प्रकाश वर्ष दूर है कितना प्रकाश वर्ष दूर है तो आप कहेंगे सर प्रकाश वर्ष कितने प्रकाश वर्ष तो चार दशमलव तीन भारत अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा है सेवा है वित्तीय क्षेत्र है पर्यटन क्षेत्र है कृषि क्षेत्र है किसे भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है तो आप लोग बताना किसे कहते हैं कमल मौर्य जी का आंसर आया है बिल्कुल सही कह रहे हैं आप तो आप कहेंगे सर कृषि क्षेत्र क्या होगा कृषि क्षेत्र नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है टोकरी बुनने वाला माली कुम्हार पुजारी देखिए प्राथमिक क्षेत्र टोकरी बुनने वाला कृषि क्षेत्र से संबंधित होगा माली भी कृषि क्षेत्र से कुम्हार भी लेकिन पुजारी नहीं होगा पुजारी नहीं होगा मानव पूंजी में निवेश किसके द्वारा किया जाता है शिक्षा प्रशिक्षण चिकित्सा देखरेख सभी बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है आसानी से आप इसका आंसर दे देंगे आसानी से इसका एकदम से आंसर आप लोगों के आना चाहिए कि सर शिक्षा में भी निवेश होता है शिक्षण में भी होता है चिकित्सा देखरेख में होता है तो तीनों सभी हो जाएंगे सभी तीनों इसके आंसर हो जाएंगे क्या हो जाएंगे बेटा तीनों इसके सही आंसर होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन पर बताइएगा कि भारत में प्रथम आर्थिक जनगणना किस वर्ष में होती है प्रथम यहां पर अगर पूछा जाए प्रथम आर्थिक जनगणना प्रथम आर्थिक जनगणना कब हुई थी तो जनगणना बेटा कब होती है प्रथम आर्थिक जनगणना 1977 में 2013 में होती है छठी जनगणना और 2023 में बेटा कौन सी है सातवीं जनगणना कौन सी सातवीं जनगणना है ठीक है 2023 कौन सी 2023 अच्छा आईएमएफ के द्वारा भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितनी बताई गई है 2023 में 2023 में आईएमएफ द्वारा आईएमएफ द्वारा भारत की आर्थिक भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितनी बताई गई है आर्थिक वृद्धि दर कितनी बताई गई है वृद्धि दर कितनी है तो आप कहेंगे सर 6.4 है 6.5 है कितनी बताई गई है तो आप लोग बता देना सर कहीं तो 6.4 बताई है कहीं 6.1 बताइए, बताई है कहीं सिक्स कुछ बताई है तो ये हम मानकर चल रहे हैं हालांकि जो भारतीयों के द्वारा है भारतीयों के द्वारा कितनी बताई गई है बेटा 6.1 तो ये आप लोग याद रखना इसको भी आप 6.1 ही कर लीजिए इसको भी 6.1 ही कर लीजिए क्योंकि यही आंसर आएगा आपका 6.1 परसेंट सिक्स परसेंट ठीक है जी चलिए जी आंख दिखाने वालों को थोड़ा दिखा दिया करो ये क्या कह रहे हैं क्या बताया है सर ने दिल्ली पुलिस पर मैं बोले हैं सर बताओ ना क्या बताए हैं क्या, क्या बोले हैं कुछ क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपका आप क्या पूछना चाह रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है अब क्या बताएं हम इसका हम खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं आपका क्वेश्चन आप पूछना क्या चाह रहे हो तो हम क्या बताएंगे चलिए बताइए यहाँ पर क्या लिखा है कि भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है देखिए अगर बात होगी तो इसमें तो आंसर आप कर देंगे सर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सी एस ओ जिसे बोलते हैं सी एस ओ लेकिन हुआ क्या है 2019 में 2019 में एन एस एस एन एस एस ओ एवं सी एस ओ को मिला दिया है सी एस ओ को क्या कर दिया है मर्ज कर दिया है क्या कर दिया है बेटा मर्ज करके एनएसओ बना दिया है नेशनल स्टेटिक ऑर्गेनाइजेशन ठीक है जी चलिए नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति के जनक अभी बेटा अभी कल परसों ही उनकी क्या हुई है मृत्यु हुई है कल परसों का मतलब है कि अभी चार पांच दिन पहले तो आप कहेंगे कौन थे एम एस स्वामीनाथन अब बेटा ये अट्ठानवे वर्ष की आयु में इनकी क्या हो गई मृत्यु हो गई है कब 28 सितंबर 28 सितंबर 2023 में इनकी क्या हो गई मृत्यु हो गई क्या हो गई भैया इनकी मृत्यु हो जाती है ठीक है हरित क्रांति की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा गेहूं की उन्नति हुई थी सबसे ज़्यादा गेहूं फिर धान ठीक है यानी कि खाद्य फसलों से संबंधित है किससे ये खाद्य फसलों से संबंधित है नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन करने वाली ये अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ लिया नेक्स्ट क्वेश्चन है चौदवे वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है कौन था पूछा है तो बाईवी रेड्डी वर्तमान में पंद्रवा वित्त आयोग है 2026 तक पंद्रवा वित्त आयोग रहेगा तो इसके कौन है एन के सिंह कौन एन के सिंह है ठीक है जी एन के सिंह तो आप कहेंगे उन्होंने दो बार रिपोर्ट दो बार रिपोर्ट दी है एक तो 20 और 21 2020 और 2021 की 2020 और 2021 की और 2021 से 2021 से 2026 की 2026 की दो बार रिपोर्ट देंगे ये नेक्स्ट है अगर पूछ लेगा प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे कौन थे बेटा केसी नियोगी कौन थे केसी नियोगी नियोगी ठीक है जी अब बात करेंगे सर वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में है तो आर्टिकल अनुच्छेद 280. नेक्स्ट है वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए यंत्र का उपयोग किया जाता है पायरोमीटर वेरीमीटर हाइड्रोमीटर हाइग्रोमीटर चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए इसका क्या आंसर होगा और कौन कौन बच्चा बताएगा तो आप कहेंगे भैया इसका सही आंसर क्या है तो यहाँ पर आप कहेंगे सर आंसर तो हो जाएगा हाइग्रोमीटर ये अपेक्षित घनत्व द्रवों का जो आपेक्षिक घनत्व होता ना अपेक्षित आपेक्षित घनत्व मापने के लिए यूज किया जाता है आपेक्षित घनत्व मापने के लिए आपेक्षिक होता है आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए वैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किसके लिए वायुमंडलीय दाब मापने के लिए और बेटा पायरोमीटर का होता है उच्च तापमान मापने के लिए उच्च तापमान मापने के लिए तापमान मापने के लिए नेक्स्ट है प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है ऐसा इकाई पूछिए प्रतिरोध की तो आप कहेंगे सर ओहम हो जाएगी अच्छा एम्पियर किसकी है विद्युत धारा की जल्दी जल्दी से बताइए हाँ जी बहुत बढ़िया इसका सही आंसर क्या होगा तो आप कहेंगे सर विद्युत धारिता फैराडे किसकी है विद्युत धारिता की किसकी विद्युत धारिता तो यहाँ पर विद्युत धारिता हो जाएगी बोल्ट किसकी होगी विद्युत विभव की क्या हो जाएगी बेटा विद्युत विभव विद्युत विभव की क्या हो जाएगी विद्युत विभव की यूनिट क्या हो जाएगी बोल्ट विभव और बेटा विद्युत धारिता की फैराडे एम्पियर किसकी होगी विद्युत धारा की किसकी विद्युत धारा तो आप कहेंगे सर विद्युत धारा क्या यहां तक आप लोग पढ़ लेंगे आगे है निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत शक्ति की वाणिज्यिक इकाई है जूल किसकी होगी जूल जूल होगी बेटा कार्य की या ऊर्जा की कार्य या ऊर्जा ठीक है कार्य या ऊर्जा बाट किसकी होगी शक्ति की बाट किसकी है शक्ति की किलो बाट आर हो जाएगी एम्पियर किसकी थी की। किसकी विद्युत धारा तो यही हमसे पूछा गया प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखा किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है कितना अच्छा क्वेश्चन है सर आप पुलिस कांस्टेबल के लिए कंप्लीट गाइड बुक कब ला रहे हो आप पुलिस कांस्टेबल अच्छा देखिए ये अनाउंसमेंट अंकित सर करेंगे बाकी हमारी किताबें हैं यूपी कांस्टेबल के लिए आप वो देख सकते हैं बाकी मैं कल सर से पूछकर आपको बता दूंगा इस बारे में तो आप कहेंगे चार्ल्स वेबेज कौन सा चार्ल्स वेबेज इन्होंने क्या किया था इन्होंने बेटा एनालिटिक इंजन बनाया था पहला डिजिटल एनालिटिक इंजन इन्होंने ही बेटा 1830 में क्या बनाया था एनालिटिक इंजन इन्होंने बनाया था जो बेटा क्या कहा गया है तो वो आधुनिक भारत में कंप्यूटर के जनक कहे गए हैं नेक्स्ट है बाहर पारंपरिक कंप्यूटर में सी मॉनिटर होते हैं सी का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब जिसे कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं आपने बेटा पिक्चर देखी होगी मूवी देखी होगी सॉरी मूवी कह रहा हूँ टीवी आपने टीवी देखी है ना टीवी में ऐसे करके जो ट्यूब रहती है ना जिसमें पिक्चर चलती है इसमें जो पिक्चर चलती है इसे पिक्चर ट्यूब बोलते हैं आसान भाषा में पिक्चर ट्यूब बोला जाता है क्या बोला जाता है पिक्चर ट्यूब बोला जाता है जिसमें वैक्यूम होता है नेक्स्ट है पारितंत्र तंत्र परितंत्र के दो मूल घटक क्या होंगे बताइए जल्दी से कि भैया क्या हो जाएंगे जल्दी जल्दी से यहाँ पर आंसर दीजिएगा कौन कौन बच्चा यहाँ पर आंसर दे रहा है तो आप कहेंगे सर इसका क्या आंसर है तो बेटा आप कहेंगे जैविक और जैवीय और अजैवीय अच्छा इनको दो भागों में किसने बांटा था दो भागों में किसने बांटा था तो आप कहेंगे सर इनको दो भागों में बांटा था बेटा टांस लेने किसने टांस लेने ठीक है जैविक अरिब जैविक चलिए नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम पारिस्त की तंत्र पारिस्थितिकी की तंत्र देखिए इको अगर बात करेंगे सर इकोलॉजी इकोलॉजी के लिए अगर बात करेंगे और इको इकोलॉजी के लिए और एक है इकोसिस्टम इकोलॉजी है और एक क्या हो जाएगा तो ये बताइए कि सर इसके बारे में इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था तो इसका प्रयोग सबसे पहले नाइनटीन नाइन 69 में अर्नेस्ट हेकल किसने अर्नेस्ट हेकल तो आप कह रहे कहेंगे सर अर्नेस्ट हेकल ने किसने अर्नेस्ट हेकल ने किया अब बात आती है बेटा पारिस्थितिकी तंत्र इसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम क्या बोलते हैं इकोसिस्टम अगर मैं यहां पर इकोसिस्टम की बात करूं कि सर इसके लिए इकोसिस्टम के लिए जो शब्द का प्रयोग हुआ वो किसने किया था तो ये किया है बेटा एजी टांसले ने किसने किया है एजी टांसले ने किया है ठीक है नेक्स्ट उस आंदोलन की पहचान करें जो वनों के बारे में आम जनता की जागरूकता का जीवंत उदाहरण है वन महोत्सव नहीं होगा भारत छोड़ो 1942 में हुआ ये नहीं होगा क्रांति 1966 सौ में होती है क्या और चिपको आंदोलन 1973 में होता यही आंसर होगा ये किसने दो व्यक्ति बहुत फेमस है यहाँ पर बहुलाल सुंदर गुण बहुलाल सुंदरलाल बहुगुणा सुंदर लाल बहुगुणा कौन सुंदर लाल बहुगुणा बहुगुणा ठीक है जी और एक थे बेटा कौन चंडी देवी चंडी देवी भट्ट ठीक है जी चंडी देवी भट्ट नेक्स्ट ये आपका हो जाएगा एक होमवर्क अब आप लोग बताएंगे आज का प्रैक्टिस सेट थोड़ा सा इजी था आप लोगों ने अच्छे से किया होगा अच्छे से किया होगा सभी बच्चों ने किसी के आंसर अगर तीस से कम आए हैं तो बताना भाई तीस लगभग किस किस के थे थर्टी लगभग किस किस के थे क्योंकि अच्छा था बहुत ज्यादा टफ नहीं था आज का सेट मैंने चैप्टर वाइज स्टार्ट कर दिया कि अब फिर से आपका रिविजन स्टार्ट हो जाए ठीक है चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जय हिंद जय भारत